गुड इवनिंग, वेरी वेलकम, कोल्ड इवनिंग। आप सभी तमाम श्रोताओं का स्वागत है जो मेरे साथ YouTube पे लाइव अभी जुड़ चुके हैं। जितने लोग लाइव जुड़ चुके हैं बच्चों, वो एक बार इस सेशन में अपना हाजिरी ज़रूर लगा दें। मैं इस सेशन को स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आपको मेरा आवाज़ पहुंच पा रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में यस सर लिख दें। मैं थोड़ा एक बार कमेंट पढ़ लेता हूँ कितने लोग हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ओके ना, तो आवाज़ तो सभी को जा रहा होगा, आवाज़ का कोई इशू नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा देख लेता हूँ। दीपू दांगी जुड़ चुके हैं, अंकुश कुमार जुड़ चुके हैं, गौतम विराट गुड गुड, मौसम राज जुड़ चुके हैं, संजय कुमार। ये जो टॉपिक है ना बच्चों, ये 12th और 11th दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है वो 11th और 12th दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है बच्चों। तो जितने लोग जो जुड़े हुए हैं, आज वीडियो एनिमेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रूट्स किसे कहते हैं। क्या बच्चों सभी को आवाज़ जा रहा है? साउंड एकदम क्लियर है सर? ओके ओके, गुड गुड। मैं वीडियो का क्वालिटी भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 720। ओके डन, तो 720 हो गया है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना? चलिए लाजवाब, तो आगे हम इसको स्टार्ट करते हुए बढ़ते हैं। आप लोग सारे लोग ये सोचते होंगे कि फ्रूट्स क्या है, व्हाट आर दे, फ्रूट्स है क्या भाई? तो फ्रूट्स जैसे ही आपके दिमाग में ये नाम आता होगा तो आपके दिमाग में ये बातें चलना शुरू हो जाता होगा कि सर फ्रूट्स है क्या। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि फ्रूट्स जो है, सबके मन में यही सोचते हैं कि फ्रूट्स तो एकदम जूसी होता है, रसदार होता है, गुदेदार होता है, एकदम मज़ेदार होता है, ये सारे लोग जानते हैं। लेकिन बच्चों, और जो हमारे साथ कुछ पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, फ्रूट्स यानी फल, बायोलॉजिकली भाषा में अगर कहा जाए तो फल सिर्फ उसे ही नहीं कहते हैं जो खाया जाता है, या फिर फल उसे ही नहीं कहते हैं जो मीठा होता है, या फिर फल उसे ही नहीं कहते हैं जो फूल से विकसित होता है। तो बच्चों यहाँ पे दो तीन बातें हैं। अगर मीठा रहेगा तो ही फल है? नहीं, करेला खट्टा है, कड़वा है, लेकिन वो भी फल है। तो बायोलॉजिकली भाषा में आज मैं फ्रूट्स का एक्सप्लेनेशन आपको किसकी माध्यम से देना चाहूँगा? वीडियो एनिमेशन के साथ। तो बच्चों मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, तो स्टार्ट बच्चों, देखते हैं फ्रूट्स क्या है। ये मैडम सोच रहे हैं कि फ्रूट्स क्या होगा, फ्रूट्स किसको कहते हैं, जो मीठा है उसको फ्रूट्स कहते हैं, जो रसदार है उसको फ्रूट्स कहते हैं, जो जूसी है उसको फ्रूट्स कहते हैं, किसको फ्रूट्स कहते हैं, है ना? आज यही सवाल है। तो लोग यही सोचते रहता है, काश फल तो मीठा होता है, फल तो फूल से खिलता है। नहीं 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 नहीं, आज आपका कंसेप्ट मैं क्लियर कर देता हूँ। फ्रूट्स उसे कहते हैं प्यारे बच्चों जिसका जो फॉर्मेशन ओवरी से होता है, फ्लावर की ओवरी से होता है, तो उसको फ्रूट्स कहते हैं। देखिए ये मैडम का बात तो बहुत सोचे है ये बच्चा, लेकिन आगे देखते हैं, ये बड़ा मजा आने वाला है। देखिए डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स, आप यही सोचते हैं कि अनार है, ये नींबू है, केला है, उधर सेब है, तो ये सारे फ्रूट्स हैं। इसके अलावा और भी फ्रूट्स होते हैं, नींबू कोई फ्रूट्स कह सकता है? जी भैया, नींबू भी फ्रूट्स है, तो याद रखिएगा। तो हम आज फ्रूट्स का डिफिनेशन आपको क्लियर कर देते हैं कि फ्रूट्स किसे कहते हैं। ये स्ट्रॉबेरी और उसे ग्रेप्स है। तो लोग यही सोचते हैं कि फ्रूट्स जो होता है स्वीट होता है, एडिबल होता है, एकदम मीठा होता है, रसदार होता है, फल उसी को बोलेंगे। नहीं 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 नहीं, ये करेला आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, बिटर गार्ड एंड कॉटन पॉड। बिटर गार्ड मतलब हम लोग करेला को नहीं, करेला मीठा नहीं होता है, लेकिन करेला फ्रूट है। क्यों फ्रूट है आगे हम बताएंगे। ऐसे बता देते हैं कि करेले का विकास फूल से होता है, तो जिस प्लांट में फूल यानी फ्लावर डेवलप हो करके फ्रूट बना दे, डेवलप हो करके जो स्ट्रक्चर बना देता है उसे हम फ्रूट कहते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो करेला तो तीता है, खट्टा है, कड़वा है, लेकिन करेला भी क्या है? फ्रूट है। कॉटन,
कॉटन यानी कि रुई, कपास, कपास जो है रुई, वो क्या फल है? ऑफकोर्स रुई भी फल है। करेला मीठा नहीं है फिर भी फल है, रुई को नहीं हम खा सकते हैं, कपास यानी कॉटन को हम नहीं खाते हैं, नन इडिबल है फिर भी कॉटन भी फ्रूट है, क्योंकि करेला हो या कॉटन यानी कि रुई, ये दोनों का विकास फूल के से ही विकसित होकर बना है। तो जिसका विकास फूल के विकसित होने से बनता है उसे हम फ्रूट कहते हैं। और ये 11th और ये 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। 11th में फिफ्थ चैप्टर में है और 12th का सेकंड चैप्टर में है। तो 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से और 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के लिए इम्पोर्टेंट। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि फ्रूट्स का कितना प्रकार होता है, और जितने लोग इस सेशन में आ चुके हैं अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक कर दो यार, हमारे साथ इतने मित्र जुड़े हुए हैं, इतने लोग जुड़े हुए हैं, है ना, बहुत अच्छा। मैं एक बार सबका नाम भी ले लेता हूँ, अगम राज, सूरज कुमार, हिमांशु कुमार, है ना, आई एम दीप, बहुत अच्छा, दीपक कुमार, अंकित राज, है ना, रमेश शर्मा, है ना, और काजल सिंह, बहुत अच्छा, लाजवाब। तो बताइए बच्चों, तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? तो लोग कोई कहे करेला फ्रूट है रे, बोले हाँ भैया ये भी फल है, भिंडी भी फल है, रुई भी फल है, क्योंकि इसका फॉर्मेशन फ्रूट से होता है। ओके, देखिए ये कैसे फ्लावर मुरझा गया और फल बन करके निकला। ओके ना, देखे ना, अभी आपने देखा कैसे फ्लावर मुरझाया था और उसमें से फल बन करके निकला, गजब। फ्रूट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ द ओवरी ऑफ द फ्लावर। जितने इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं फ्रूट्स लिख करके डैश दे देंगे और ये डिफिनेशन वहाँ पे चिपका सकते हैं, फ्रूट्स इज द फास्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ द ओवरी ऑफ द फ्लावर। देखिए मैं थोड़ा सा इस वीडियो को गैप पीछे करके दिखा देता हूँ कि आप क्लियर कर लें, है ना, चलिए देखिएगा। तो इसको आप देखिएगा कि फ्रूट्स कैसे वो फ्लावर जो था वो मुरझाया हुआ था वो डेवलप करता है। मैंने बिटर गार्ड और कॉटन के बारे में मैंने बताया ही बच्चों, आगे देखिए बड़ा मजा आने वाला है। बच्चों जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सेशन को लाइक कर दें और अपने दोस्तों से बता दें कि आज वो देखिए यही चीज़ मैं कहना चाह रहा था। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ही फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, गजब लाजवाब फ्रूट्स का। और फ्रूट का जब फॉर्मेशन होता है तो वो सीड का डिस्पर्सल करता है। डिस्पर्सल का मीन्स है एक जगह से बीज को दूसरे जगह पहुंचा देता है। क्या कोई बता सकता है, कोई आम अगर खाता है तो आम का गुठली वहीं फेंकता है? नहीं, आम का गुठली दूसरे जगह फेंकता है। तो फ्रूट्स का फॉर्मेशन सीड के डिस्पर्सल के लिए होते हैं। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो फल को खाता है और उसके बीज को दूसरे जगह फेंक देता है। और बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रूट सीड का कैसे होता है फ्रूट्स का डेवलपमेंट, पहले ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो बच्चों हम लोग तीन तरह के फ्रूट्स पढ़ेंगे। ओके ओके ओके, ट्रू फ्रूट्स की हमने बात की अभी कि ट्रू फ्रूट्स किसे कहेंगे। तो ट्रू फ्रूट्स उसको कहेंगे बच्चों जो ओवरी से डेवलप होता है, फर्टिलाइज्ड ओवरी से। अगर ओवरी फर्टिलाइज्ड हो गया तो वो जा करके फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि कैसे ओवरी से फ्रूट्स का डेवलपमेंट हुआ। ओके ना बच्चों, लाजवाब, मजा आ गया। और देखिए ना, अभी और मजा आने वाला है। अब फॉल्स फ्रूट, तो फॉल्स फ्रूट का बात करेंगे ना, ओवरी के अलावे कोई और अगर फल बना देता है तो उसको फॉल्स फ्रूट कहेंगे। फ्रूट्स दैट डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द फ्लावर विथ द ओवरी और एंड आर फॉल्स फ्रूट। फल ओवरी के अलावे कोई और भी पार्ट अगर फ्रूट्स बना रहा है दैट इज फॉल्स फ्रूट्स। यहाँ पे एप्पल है, एप्पल का फॉर्मेशन थैलमस से होता है बच्चों। तो देखिएगा कैसे फ्रूट्स का डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसको आप फॉल्स फ्रूट कह सकते हैं या सीडोकार्प कहते हैं। तो थैलमस से या रिसिपिटेकल, तो आपको मैं बता दूं बच्चों कि फॉल्स
फॉल्स फ्रूट का फॉर्मेशन रिसिप्रिटेकल से या थैलमस से होता है। देखिए एक या फिर फ्रूट्स का फॉर्मेशन पूरा इनफ्लोरेसेंस करता है। मैं आपको बता दूं बच्चों कि इनफ्लोरेसेंस क्या होता है। तो इनफ्लोरेसेंस उसको कहते हैं जिससे फूल जो है ना वो डेवलप होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। तो आपको मैं समझा देता हूँ कि किसी कली पर, किसी ब्रांच पे फूल खिल रहा है और पूरा ब्रांच ही अगर फल बना दिया तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, तो इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। जैसे मैं पाइनएप्पल में छोटे छोटे देख रहे हैं ना आप, उसमें ब्रांच निकला हुआ, वो पूरा का पूरा क्या है, तो वो इनफ्लोरेसेंस है। तो आपके स्क्रीन पे तो ये भी एक प्रकार का क्या है, फॉल्स फ्रूट है। पाइनएप्पल भी क्या है, फॉल्स फ्रूट। एप्पल भी क्या था, फॉल्स फ्रूट। ये देखिए आपने पाइनएप्पल, उसके बाद काजू, काजू शायद आप फरल नहीं देखे होंगे, तो आप आज दिखा देता हूँ मैं काजू कैसे फरा हुआ है ना। तो ये काजू आपके सामने, काजू का फल देखिए कैसे फरता है, ओके ना। ये जो रेड कलर का है पूरा ना, वो काजू उसके अंदर एकदम मैच्योर्ड फॉर्म में, और पीछे ग्रीन कलर का काजू शेप का वो बना हुआ है। तो फॉल्स फ्रूट में एप्पल हो गया, और क्या हो गया सर, तो फॉल्स फ्रूट में कैसू नट हो गया और पाइन एप्पल हो गया। ओके बच्चों लाजवाब। तो मेरा थोड़ा सा गला आज बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने वादा किया था कि पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा। तो थैलमस से डेवलप हो रहा है तो उसको हम क्या कह दिए, फॉल्स फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ओके ना। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का सेकेंड नेम कौन बता रहा है, एनीबडी? मैं देखूँ थोड़ा स्क्रीन पे कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का क्या सेकेंड नेम होगा। मैं स्क्रीन पर नज़र डाल दिया हूँ कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुड्डू कुशवाहा, संदीप कुमार, अंकित राज, नहीं पता है सर, ओके ओके कोई बात नहीं। स्ट्रॉबेरी फॉल्स फ्रूट है सर, यस यस, रमेश शर्मा फॉल्स फ्रूट है सर। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, क्या यार वीडियो क्लियर नहीं आ सकता है, तो ऐसा हो नहीं सकता है ना। सीडलेस फ्रूट, यस यस, संगम आर्या ने जवाब दिया है बिल्कुल कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को सीडलेस फ्रूट कहते हैं। गुड गुड, बहुत अच्छा। क्या बच्चों वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, क्या सही में नहीं पता चल रहा है, क्या आप सभी जवाब दे, आ रहा है सर, गुड गुड। तब यार तुम ऐसे करता है, वीडियो बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को हम सीडलेस फ्रूट कहते हैं, और ये तो फर्टिलाइजेशन के बाद ही। तो कुछ फ्रूट्स है ना, देखिए आपके सामने एकदम रसेदार, गुदेदार, मज़ेदार, एकदम चबाचब अंगूर दिखाई दे रहा होगा आपको, साथ ही साथ केला भी दिखाई दे रहा है और संतरा भी दिखाई दे रहा है। इसको मौसमी भी कुछ लोग कहते हैं, है ना। तो अलग अलग वैरायटी का यह है। तो अगर फ्रूट्स में सीड नहीं होगा तो वो फॉल्स फ्रूट नहीं कहलाता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट्स बन जाता है। तो बच्चों मैं यहाँ पे एक मेडिकल वाला टर्म बता देता हूँ जो आपको शायद एग्जाम में 4 नंबर दिवा दे, क्योंकि ओवरी का डिप्लोइड सेल, द्विगुणित सेल क्या करता है ना कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही डेवलप होकर के फ्रूट बना देता है, तो आपका जीवन उद्धार हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी बात है कि फ्रूट्स, तो ये जितने भी फॉल्स फ्रूट हैं, अब मैं क्लास में तो पढ़ा ही देता हूँ लेकिन ऐसा इमेज या ऐसा एनिमेशन से नहीं पढ़ा पाता हूँ, तो ऑफलाइन में क्लास वाला स्टाइल में पढ़िए और ऑनलाइन में एनिमेशन वाला स्टाइल में पढ़िए। और कौन कहता है कि तमन्नाओं का शहर नहीं मिलता मेरे दोस्त, तमन्नाओं का शहर मिलेगा, जरूर मिलेगा, इसके लिए 2 कदम तो चलना ही पड़ेगा। ये मैंने अपने गुरुजी प्रवीण सर से सीखा जो हमारे ANM कॉलेज के प्रोफेसर हैं। धन्यवाद सर, आपसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखा है। आगे मैं कहना चाहूँगा, देखिए ये फ्रूट्स में पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है और सीड नहीं पाए जाते हैं। क्या अंगूर में सीड होता है, तो होता है तो कुछ अंगूर में सीड, लेकिन मेनली अंगूर में सीड नहीं होता है, ग्रेप्स, संतरे में, मौसमी में भी बीज नहीं होते हैं, एक आध दो हो सकता है, वो डजेंट मैटर। कुछ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स जो है
पार्सनिप प्रोड्यूस पार्थेनोकार्पिप्रूट्स। पार्सनिप देखे होंगे शायद आप लोग, अगर नहीं देखे होंगे तो सौंफ देखे हैं। सौंफ दिवाली में नहीं, होली में पुआ में सौंफ डाल के बनता है। आ इधर छठ पूजा में भी सौंफ डलाया था पुआ में। तो उसके लिए भी क्या है बच्चों, सौंफ जो है ना वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन जाता है। जीरा का नाम सुने हैं? जीरा, वो जीरा भी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। ये देखिए आर्टिफिशियल तरीके से, ए बाबू अभी जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अगर ये मिल जाए ना तो खाने का मजा ही कुछ और है, जिसका नाम है वाटर मिलन तारबूज। अगर इस तारबूज में बिच्चा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, नहीं ना, कौन तो कहता था कि सर तारबूज में बड़ी बिच्चा होता है, खाए में मजा नहीं आता है। तो मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूँ कि तारबूज में बीज नहीं होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही तारबूज बनाया जा सकता है। और इस बीज को खाने के बाद, इस तारबूज को खाने के बाद क्या आदमी याद करेगा, साला एक को बिच्चा नहीं था रे, एकदम रसदार मजेदार गुदेदार, एकदम क्या मजा आ गया है ना। हाँ तो बच्चों, हाँ एगो कह रहा है पास पास में सोफ रहता है सर, एकदम एकदम सही बोला है बच्चा। अब पास पास में सोफ रहता है तो फिर मजेदार बात ना होगा। अपना ग्रुप में तनी वीडियो के तनी शेयर भी कर दीजिएगा, देखला के बाद अभी देख लीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को बता दीजिएगा। कुछ हमारे मित्र जहानाबाद टेहटा से भी जुड़े हुए होंगे, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप भी इस लेक्चर को देख लीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिएगा। और मैं इतना तो जरूर कहूँगा, जितने लोग लाइव जुड़े हुए हैं मित्र, एक बटन को लाइक कर दे। एक लाइक में आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन आपके लाइक से मेरे को एनर्जी मिल जाता है, दैट इज एटीपी। तो फ्रूट्स मैंने बच्चों, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, तो ये देखिए कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं, टमाटर में नहीं बिच्चा है, कुकुम्बर में बिच्चा नहीं है, तारबूज में बिच्चा नहीं था, बड़ा मजेदार बात, तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। सेकेंड टाइप का फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स को हम ओवरी के नंबर पे बांटेंगे। नंबर ऑफ ओवरी के बेसिस पे अगर हम बांट रहे हैं तो सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट। जैसा कि आज मैंने पढ़ाया था क्लास में कि सिंपल फ्रूट किसको कहेंगे, एग्रीगेट फ्रूट किसे कहेंगे और कंपोजिट फ्रूट किसे कहेंगे, ओके ना। मैंने आज क्लास में पढ़ाया था, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि किसे कहते हैं, ओके बच्चों। तो सिंपल फ्रूट जो होता है ना वो केवल एक कार्पेल से डेवलप होता है, एग्रीगेट ना एपोकार्पस से, और कंपोजिट वाला ना सिनकार्पस से होता है। अब हम बता देते हैं आप लोगों को कि एपोकार्पस, सिनकार्पस और एग्रीगेट होता क्या है, ओके ना बच्चों। तो मान चलो ये कार्पेल है, ये कार्पेल सब चारों सट गया तो इसको बोलेंगे सिन कार्पस, लेकिन सर फ्री फ्री है तो उसे बोलेंगे एपो कार्पस। अब देखिएगा फ्रूट्स कैसे बनेगा, बड़ा मजा आने वाला है। तो ये फ्रूट्स कैसे बनता है, सो देखिएगा सिंपल फ्रूट्स और एग्रीगेट फ्रूट्स और कंपोजिट फ्रूट्स, ओके ना बच्चों। तो आ रहा है मजा, बहुत अच्छा बोला आयुष रंजन, चलिए बहुत अच्छा। सिंपल फ्रूट्स मैंने बताया आपको, फिर से थोड़ा सा देख लीजिए, सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स एंड कंपोजिट फ्रूट्स। पहले हम लोग सिंपल फ्रूट्स की बात करें। हाँ, फ्रूट्स दैट डेवलप फ्रॉम द गाइनोसियम ऑफ अ सिंगल फ्लावर आर कॉल्ड सिंपल फ्रूट। एक ही फूल का, एक ही गाइनोसियम, एक ही फीमेल पार्ट अगर फूल बना देता है तो उसे हम सिंपल फ्रूट कहते हैं बच्चों। एक ही कार्पेल फ्रूट्स बना रहा है, कभी कभी दो हो जाते हैं, तो ये सिंपल फ्रूट्स की बात किया मैंने। लेकिन मोनोकार्पस गाइनोसियम अगर एक वो रहेगा तो मोनोकार्पस, बहुत सारा रहेगा तो सिनकार्पस। सिनकार्पस मतलब देखिए ना आपस में फ्यूज हो गया है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, तो एक पहला वाला में मोनोकार्पस में एक ही गो कार्पेल है, लेडीज बीच में एक ही गो है, लेकिन सिनकार्पस वाला में दो कार्पेल ऊपर दिखाई दे रहा है और दोनों फ्यूज होकर के एक बना दिया। तो अगर कार्पेल यानी कि सट जाए, जुट जाए तो उसे हम सिनकार्पस कहते हैं, और अलग अलग रहेगा तो उसे एपोकार्पस कहते हैं, ओके। ये देखिए
पेरिकार्प के बेसिस पे बांटे तो दो तरह के फ्रूट्स, एक होता है फ्लैसी फ्रूट, एकदम रसेदार गुदेदार मजेदार, जैसे आम है और अमरूद, ये रसेदार गुदेदार है तो इसको हम फ्लैसी फ्रूट कहेंगे, लेकिन एकदम सूखा सूखल है जैसे में चना है, ये क्या हो गया फ्लैसी फ्रूट, ये ड्राई फ्रूट। और अब देखते हैं हम लोग बच्चों फ्रूट्स का डेवलपमेंट कैसे होता है। मैं बता दूं फ्रूट्स का डेवलपमेंट ओवरी से होता है, और ओवरी डेवलप हो करके फ्रूट्स बनाता है, और ओवरी में डेवलप हो करके ओवरी का वॉल फ्रूट वॉल बनाता है, और फ्रूट वॉल को ही पेरिकार्प कहते हैं। कॉपी में लिख लीजिएगा, फ्रूट वॉल इज ऑल्सो कॉल्ड पेरिकार्प। और पेरिकार्प को ना तीन भागों में बांटते हैं बच्चों, ईपिकार्प, मेजोकार्प और इंडोकार्प, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाएगा अभी, बड़ा मजा आने वाला है। देखिएगा पेरिकार्प को तीन पार्ट में बांट देते हैं, बाहर वाला को ईपिकार्प एकदम पतला होता है, बीच वाला को मेजोकार्प जो तनी फ्लैसी गुदेदार होता है, अंदर वाले को इंडोकार्प जो हार्ड होता है कड़ा होता है, और ये तीनों को मिला करके पेरिकार्प कहते हैं। पेरिकार्प को ही फ्रूट वॉल के नाम से जानते हैं बच्चों, तो ये लाजवाब बात है। और मैं कहना चाहूँगा जितने लोग लाइव जुड़े हुए हैं उन लोग से मैं एक वादा तो करता हूँ आज कि आप लोग के लिए डेली ये लाइव सेशन लेकर के आऊँगा, एनिमेटेड वीडियो, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस, नीट, मेडिकल और जनरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के साथ। तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं तो दबा लीजिए, नहीं तो एक लाइक करके ही आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा जिससे आपका जीवन का उद्धार हो जाएगा, आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाइएगा। थोड़ा सा बच्चों हमें मच्छर काट रहा है, अब मच्छर काट रहा है तो हमको तनिक तो क्वाइल जला लेने तो ओके ना। अरे यार मच्छर मैं तुमको कैसे समझाऊं क्यों मुझे को काटता है, एक बात तो जाहिर है कि मच्छर काटता नहीं, मच्छरनी काटती है, मच्छर तो यूं ही बदनाम है ओके ना। चलिए कोई बात नहीं, होता है थोड़े थोड़े शहरों में, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी गलतियां होते रहता है सेनोरिटा, कोई बात नहीं। क्या यार वीडियो मेरा रुक गया, टेन 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 12 चलती है क्या, 9 से 12। चलिए आगे बात करते हैं, तो बच्चों फ्रूट्स की बात कर रहे थे, तो फ्रूट्स में हम पेरिकार्प की बात कर रहे थे। अरे यार फ्रूट्स में हम क्या बात कर रहे थे, पेरिकार्प, तो पेरिकार्प इपिकार्प मेजोकार्प ऑफ इंडोकार्प से बन गया। कौन कह रहा है भाई, बोर्ड सेट प्रैक्टिस करा रहे हैं सर, यस 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 यस, उसका भी बोर्ड का भी सेट प्रैक्टिस में कराऊंगा। ओके आप देख पा रहे होंगे एकदम हरा हरा मटर, ये मटर देख करके किसके नहीं मुंह में पानी आ जाएगा, साला इतना लजीज एकदम खिचक खिचक खाने का मन कर रहा है। तो इसमें जो बीज है ना बच्चों, ये इसका सीड है जो ओव्यूल से बनता है, और ये जो पूरा मटर है ना ये फ्रूट्स है, तो इसका फ्रूट जो होता है ना वो ड्राई फ्रूट्स में आता है। ओके बच्चों इसका मेजोकार्प एंडोकार्प एकदम अलग, तो सिंपल सिंपल ड्राई फ्रूट को मैंने आज आपको सिंपल ड्राई फ्रूट को 15 तरह से बताया था कि डेहिसेंट फ्रूट 5 होता है, इनडेहिसेंट 5 होता है और साइजोकार्पिक 5 होता है, लेकिन एनिमेशन में बच्चों ना उतना डिटेल नहीं चलेंगे हम लोग, एनिमेशन में मेन मेन पॉइंट को स्टडी करेंगे ओके ना। हम मेन मेन पॉइंट को स्टडी करके इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। एकीन कैप्सूल एंड साइजोकार्पिक, एकीन फ्रूट्स, इस एकीन फ्रूट्स को आप देखे होंगे, मैं आज कहा था कि आज आपको हमारे ऊपर यकीन है कि मैं लाइव क्लास पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, तो एकीन फ्रूट्स के बारे में, तो ये एकीन फ्रूट्स के बारे में देखिएगा बच्चों। तो एकीन फ्रूट्स क्या है, तो ये एकीन फ्रूट्स आप शायद देखे होंगे, छोटा छोटा एकदम लग रहा है ना किसके तरह था, अनार के तरह, कैप्सूल फ्रूट, कैप्सूल फ्रूट जो होता है ना पॉपी आता है इसमें एग्जाम्पल, पॉपी मतलब अफीम जो बाराचट्टी धनगाई सोब वाले क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, दो भी तरफ इस पॉपी का खेती अफीम की खेती अधिक होती है बच्चों,
जो एक प्रकार का कैप्सूल फ्रूट है और सूखा हुआ ड्राई फ्रूट है, ओके ना। तो देखिए पॉपी, पॉपी एक ड्राई फ्रूट है, ये साइजोकार्पिक फ्रूट, इसमें आता है सौंफ है ना, इसमें आता है जीरा। देखो बच्चा बोला था कि पास पास में सर सौंफ होता है, ओके ना। चलिए इस लेसन को ज़्यादा देर का नहीं पढ़ाऊंगा, हाफ आवर्स बस 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 हो गया। कहाँ हाफ आवर, नहीं अभी 5 मिनट दे रही है बच्चों, 5 मिनट में हम लोग पढ़ लेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया साइजोकार्पिक फ्रूट में सौंफ था, जीरा था। अब सिंपल फ्रेशी फ्रूट, एकदम रसदार वाला, गुदेदार वाला, मज़ेदार वाला, तो बारी बारी से पढ़ेंगे। बेरीज, एम्फीसारका, ड्रूप, पोम, यहाँ पे तो चार ही बताया, लेकिन मैंने आपको सेवन बताया था, ओके ना। सेवन फ्रूट्स कौन कौन से बताए थे, जिन बच्चों को नाम याद है वो कमेंट सेक्शन में लिख दें। एक तो बेरीज मैंने बताया, एम्फीसारका, ड्रूप और पोम, कुछ छूट रहा है। एक है हेस्पिरिडियम, एक है एम्फीसारका तो हो गया, ब्लाउस्टा, एक है पेपो, पेपो छूट गया, पोम तो है ही है, पेपो। तो ड्रूप, पेपो, पोम, बेरी या बक्का, एम्फीसारका, हेस्पिरिडियम और ब्लाउस्टा। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, लाजवाब। तो बारी बारी से चलेंगे, बेरीज को ही बक्का कहते हैं, यानी बेरीज और बक्का। तो बेरीज का एग्जाम्पल है एकदम लाल लाल टोमेटो, वाव, एकदम रसदार, देख रहे हैं ना, ये टोमेटो है। अच्छा कोई बता रहा है उस टोमेटो के ऊपर कुछ हरा हरा लगा हुआ, यार उसका नाम जान जाए तो बड़ा अच्छा रहता। उस टोमेटो के ऊपर जो हरा हरा है ना, उसका नाम है कैलिक्स। कितना क्या नाम है बच्चों, कैलिक्स, और एक डंटी है, ओके। तो ये टोमेटो जो है क्या है, बेरीज का एग्जाम्पल आता है। एम्फीसार का, एम ए एम बी जार का इंडेसेंट फ्रूट्स में आता है। एम्फीसारका का एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एकदम, ये बीज वाला है, यानी पार्थेनोकार्पिक नहीं है, लेकिन देखो बिना बीच्चा वाला भी हम तारबूज दिखाए थे आप लोग को, तो उसमें बीज नहीं था। तो ये है एम्फीसारका का एग्जाम्पल तारबूज, ओके बच्चों। वाटरमिलन इसका एग्जाम्पल है एम्फीसारका का। ड्रूप, ड्रूप का एग्जाम्पल कौन बता रहा है, मैं अभी स्क्रीन को रोक दिया हूँ, ड्रूप का एग्जाम्पल। चलिए जो जो एग्जाम्पल बताने वाले हैं, मैं उनका नाम अभी स्क्रीन से ले रहा हूँ, देखता हूँ कौन कौन है। सर मैडम को दिखाइए, कौन है बाबू दीपक, दीपक मैडम को जरूर दिखा देंगे। ड्रूप फ्रूट का एग्जाम्पल तुम बता दो दीपक, हम मैडम की तरह कैमरा कर देते हैं, ओके ना, जरूर जरूर जरूर। जो भी बच्चा ड्रूप फ्रूट का एग्जाम्पल बता देगा, हम मैडम की तरह उसका फोटो कर देंगे, डीपी लगा देते हैं मैडम को, देख लेना, है ना। नहीं पता है सर, तब पता करो, जल्दी से सर्च मारो गूगल और हमको बताओ कि ड्रूप फ्रूट का एग्जाम्पल क्या है। परीक्षा में आ रहा है 2023 के परीक्षा में ये क्वेश्चन आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रूप फ्रूट। ऑप्शन रहेगा मैंगो, ऑप्शन रहेगा कोकोनट, ऑप्शन रहेगा बोथ, ऑप्शन रहेगा नन ऑफ दीज। क्या मारिएगा, मैंगो, कोकोनट, बोथ, नन ऑफ दीज, ओके ना, मैंगो, कोकोनट, बोथ, नन ऑफ दीज, क्या मारिएगा, देख लेते हैं। अपना समाज, अपना समाज ने कोकोनट लिखा है, मैंगो एंड कोकोनट अमन सिंह ने लिखा है ना। केला, दीपक बाबू तक केला, तक केले खाइएगा ना, ये हमारे अभिषेक बाबू एकदम मैंगो बना के भेज दिए हैं, गुड। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों मैंगो एंड कोकोनट। तो देखिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि मैंगो एंड कोकोनट। तो हम लोग आम का कौन सा भाग खाते हैं, मेजोकार्प खाते हैं कि एपिकार्प खाते हैं कि इंडोकार्प खाते हैं, बताइए आम का कौन सा पार्ट खाते हैं, मेजोकार्प, एपिकार्प कि इंडोकार्प, छिलका खाते हैं कि गुदा खाते हैं कि गुठली वाला भाग खाते हैं। तो हम लोग आम का मेजोकार्प खाते हैं, बहुत अच्छा, ध्यान से ध्यान, दिखाइए कैसे सर, दिखाएं कैसे, दिखाते दिखाते हैं, राइट आंसर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अमन सिंह आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बोथ मैंगो एंड कोकोनट, मौसम सर, मौसम सौर्या, आपका ही बिल्कुल सही जवाब है बच्चा। आम का हम लोग मेजोकार्प खाते हैं बच्चों,
ओके ना। और जो नारियल बना हुआ है, नारियल का हम लोग इंडोस्पर्म खाते हैं, मेजोकार्प, ईपी कार्प और इंडोकार्प नहीं खाते हैं। नारियल का क्या खाते हैं? इंडोस्पर्म, हिंदी में कहते हैं भ्रूणपोष। ओके ना। बस थोड़ा सा और इस लेक्चर को आगे बढ़ाता हूँ मैं। तो ड्रूप फ्रूट का एग्जाम्पल हो गया कोकोनट एंड फ्रूट एप्पल। अब आता है पोम, पोम का एग्जाम्पल। तो पोम का एग्जाम्पल है फॉल्स फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट जितने भी है ना बच्चों, उसको आप पोम कह सकते हैं। जैसे में एप्पल है, पियर, नाशपाती और सेब दोनों फॉल्स फ्रूट हैं, और पोम में यही दोनों रहेंगे। ओके बच्चों, लाजवाब। आगे का जो सवाल है वो सुनिएगा। एग्रीगेट फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट मतलब सर ये फ्रूट्स जो एपोकार्पस ओवरी से डेवलप होता है, अलग अलग ओवरी से डेवलप होता है एपोकार्पस। और इसका एग्जाम्पल आप लोग स्क्रीन से देख के बताइएगा कि एपोकार्पस से डेवलप होता है एग्रीगेट फ्रूट, शायद स्टोर फ्रूट आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये जो फ्रूट्स है एग्रीगेट फ्रूट से हुआ, अलग अलग कार्पल से डेवलप हुआ है। इस एपोकार्पस ओवरी से डेवलप होता है। इसका एग्जाम्पल आप लोग बता सकते हैं, ये कांची है देख के बताइए। कास्टर्ड एप्पल, कास्टर्ड एप्पल मतलब जानते हैं रस भरी, कास्टर्ड एप्पल यानी शरीफा। ये क्या है? एक प्रकार का एग्रीगेट फ्रूट है। अब आते हैं मल्टीपल फ्रूट या कंपोजिट फ्रूट, इसको पढ़ के कहानी खत्म। तो जो इनफ्लोरेसेंस से डेवलप होता है उसे मल्टीपल फ्रूट कहते हैं। यहाँ आप लिख भी सकते हैं फ्रूट्स दैट डेवलप फ्रॉम एन इनफ्लोरेसेंस आर कॉल्ड मल्टीपल फ्रूट्स। तो ये जो अनानास है, जो पाइन एप्पल है, वो मल्टीपल फ्रूट है और कंपोजिट फ्रूट भी कह सकते हैं बच्चों। लाजवाब। आप लोग मेरे साथ इतने पेशेंस के साथ बने रहें, इसके लिए मैं आप सभी बच्चों का, आप सभी गार्जियन का, मैं अपने गुरु का सादर सादर अभिनंदन करता हूँ। और इसी तरह से मैं लेक्चर आपके लिए एवरी डे लेकर के आने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि वादा तो टूट जाता है, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। यानी कि पढ़ाने की आप कोशिश करिएगा, वादा कभी न करिएगा, क्योंकि वादा तो टूट जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा और आज कोशिश किया, तो आज आपके साथ ये सेशन लेकर के आया। चलिए मैं थोड़ा कमेंट सेक्शन पे नज़र डाल लेता हूँ, कौन कौन हमारे साथ जुड़े हुए थे। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूँगा। अमन सिंह जुड़े हुए थे, ठीक है ना, संदीप कुमार जुड़े हुए थे, आयुष रंजन, माही गुप्ता जुड़े हुए थे, दीपक कुमार जुड़े हुए थे, अनूप जुड़े हुए थे, एकदम गर्दा जितेंद्र कुमार जुड़े हुए थे, काजल कुमारी जुड़ी हुई ही थे। बहुत अच्छा। सोनू राज, आप सभी का तहे तहे दिल से स्वागत है बच्चों। और ये फ्रूट्स मैंने आपको पढ़ाया, तो मैं यहाँ पे फ्रूट्स दो तरह के पढ़ाया है, एक फ्रूट्स का टाइप वन और फ्रूट्स टाइप टू। वन में तीन तरह का, फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, और टाइप टू में सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट। ओके बच्चों, तो आज का सेवा यहीं पे हम समाप्त करते हैं। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत। समरी है इसका नहीं तो? ओके बच्चों, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। बाय बच्चों, बाय।